और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता, इस शब्द को अक्सर आप सुनते होंगे, खासतौर पर टीवी डिबेट्स में तो ये शब्द काफी आम है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी शब्द का बेहद सटीक विश्लेषण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की एक रैली में कहा, जो पार्टियां मुस्लिमों से एकजुट होकर वोट डालने को कहती हैं, वो खुद को धर्मनिरपेक्ष समझती हैं, यानी सेकुलर पार्टियां मानती हैं। लेकिन अगर हम हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर दें तो हमारे बाल नोच लिए जाते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज हमला बोला। दरअसल ममता बनर्जी ने हाल ही में एक रैली में के मंच से मुस्लिमों से एकजुट होकर उन्हें वोट देने की अपील की थी, और यह अपील करते वक्त ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंटवारा करने वाली पार्टी भी करार दे दिया था। बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, कांग्रेस बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी फुरफुरा शरीफ तो असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ है, वहीं केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का दामन थामा है, यानी कैलकुलेशन हर राज्य में जरूरत के मुताबिक की गई है। सवाल है कि आखिर यह कैसा सेकुलरिज्म है जो एक तरफा चश्मे से देखा जा रहा है और परखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार में। आज बात करेंगे, धर्म धर्म की बात है। आज का आर पार वाकई बेजोड़ होगा और विश्लेषण के साथ होगा, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों में भी जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये धर्म धर्म की बात है क्यों। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, कि आप इलेक्शन हार गई है, खेला होबे, जेता होबे, देखा होबे, बीजेपी हारबे, मोदी हारबे, अमित शाह हारबे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल की कूच बिहार से तुष्टीकरण की राजनीति पर बड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री का निशाना ममता बनर्जी पर था, लेकिन इशारा इससे काफी दूर तक था। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है, आपकी जो ताकत आप मानती थी वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है, मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने तीसरे चरण से पहले एक चुनावी सभा में अपने परंपरागत वोट बैंक से अपील की थी कि वो किसी के बहकावे में आकर बटे नहीं और उन्हें ही वोट दें। हैदराबाद से बीजेपी एक बंधु आसछे और फुरफुरा शरीफ एक चांगड़ा के लिए से कैक कोटी टाका खर्चा करे कम्युनल स्लोगान दिच्छे और हिंदू मुसलमान भागाभागी करार चेष्टा करछे और मुसलमान भोटटाके भाग करार चेष्टा करछे। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। প্রধানমন্ত্রী নে আরোপ লাগায়া কি দেশ মে ভোট কে লিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা কা দোহরা মাপদণ্ড আপনায়া জাতা হ্যায়। জো বাত আপ বোল রহি হ্যায়, আগার হামনে কহা হোতা कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के ऑडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। इससे पहले CAA, ट्रिपल तलाक, 370 जैसे मुद्दों पर भी धार्मिक रंग चढ़ाने की
कोशिश होती रही है। देश में डर का माहौल गढ़ने की कोशिश भी वक्त वक्त पर की जाती रही है। अवार्ड वापसी का वो दौर भी नहीं भुलाया जा सकता जब देश में असहिष्णुता पैदा होने के दावे किए गए थे। प्रधानमंत्री ने आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन लोगों पर भी निशाना साधा जो राजनीतिक फायदे के लिए अफवाह तंत्र चलाते हैं, गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। सवाल ये कि क्या वोट के लिए देश का माहौल बिगाड़ने का खेला हो रहा है? सवाल ये भी, क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता काम पर है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। धर्म धर्म की बात है। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का, और वो विश्लेषण जो कि आज बहुत जरूरी है, तुष्टिकरण के इतिहास का विश्लेषण। 1986 में, 1947 में नहीं जा रहा, ना मैं जा रहा हूं उसके बाद के, मैं सीधा 1986 पे आता हूं। शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद ने बदला। 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, देश के संस्थानों पर पहला हक मुसलमानों का है, यह कहा गया विज्ञान भवन के प्राचीर से। मैं बढ़ता हूं आगे, 2014 इमाम बुखारी सोनिया गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुसलमानों से कांग्रेस को वोट डालने को खुलेआम कहा। 2015 देश में, 2017 की मैं बात कर लेता हूं, हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के आखिरी दिन कहा कि मुसलमानों में डर है। ये जनाब 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन आखिरी दिन, जिस दिन इनका आखिरी दिन था, रिटायर हो रहे थे ये उस पद से, तो जाते जाते बोल गए मुसलमानों में डर का माहौल है। ये हामिद अंसारी का इतिहास है, इसको हर देशवासी जरूर सुने। मैं बढ़ता हूं आगे, 2019 ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया गया, आपको याद होगा, ये तो रियल मतलब थोड़े ही दिनों पहले की बात है। 2019 370 जब हटा तब भी उसे मुसलमानों के नरसंहार के साथ जोड़ दिया गया। 2021 असाउद्दीन ओवैसी ने यूपी के एनकाउंटर के नाम पर एक धर्म को निशाना बताने की बात कही, यह आपके सामने। और अब 2021 में ही ममता बनर्जी ने खुले तौर पर अपील कर दी कि मुसलमान एक तरफ हो और मुझे वोट डाले, ना फुरवरा शरीफ जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है, यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट जिसको कहा जाता है नाम, उसको वोट डाले, ना असाउद्दीन ओवैसी को वोट डाले। मेरे साथ आज बात